लेसन 83 में हम डेटा पैनल के बारे में सीखेंगे। डेटा पैनल में हमारे पास जो है जो ऑप्शन या कमांड कहले जो शामिल है वो आप स्क्रीन पर रीड कर सकते हैं। फील्ड यानी इस वीडियो में ऑटोकैड के अंदर जो फील्ड की कमांड या टूल या जो ऑप्शन मौजूद है इसके बारे में हम बात करेंगे। फील्ड के बारे में हम सीखेंगे, अपडेट फील्ड्स यानी जो फील्ड हम अप्लाई कर लेते हैं ऑटोकैड में फिर उसको अपडेट किस तरह करने हैं। अपडेट फील्ड्स के बाद हम सीखेंगे OLE ऑब्जेक्ट। OLE स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एक्सट्रैक्शन, इसके बारे में भी हम जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। OLE ऑब्जेक्ट के बाद हम सीखेंगे हाइपरलिंक यानी ऑटोकैड के अंदर हमारे पास जो है एक कमांड कहले या टूल कहले या जो ऑप्शन है हाइपरलिंक ऑटोकैड के अंदर मौजूद है। तो इस वीडियो में हम जो है इन चार कमांड के बारे में जो है हम सीखेंगे। तो चलिए इन ऑप्शन को प्रैक्टिकली समझने और सीखने के लिए ऑटोकैड के स्क्रीन की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमने ऑटोकैड को ओपन किया हुआ है। इफ यू वांट टू एक्सेस दिस ऑप्शन, सबसे पहले आपने इंसर्ट के जो टैब है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास जो है डेटा पैनल मौजूद है। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है चारों ऑप्शन जो है वो मौजूद है, फील्ड, अपडेट फील्ड्स, OLE ऑब्जेक्ट और एंड पे हम बात करेंगे हाइपरलिंक। तो हमारे पास जो ग्रिड है इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, आप कीबोर्ड से F7 दबाए तो ग्रिड है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम फील्ड के बारे में बात करते हैं। फील्ड जो है ये एक स्पेशल टेक्स्ट है ऑटोकैड के अंदर जो आप ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो अटैच करके वो फिर जब आप इसके अंदर चेंजेस कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाता है। जैसा कि हम आपको समझाने के लिए मैं एक मिसाल लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, हमने एक सर्कल ड्रा किया। इसके बाद में फील्ड या आप कीबोर्ड से FIELD टाइप करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें तो हमारे पास जो है ये फील्ड की जो सारे हमारे पास जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन की एक बटन जो है वो आ गया है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप सर्कल प्रीव्यू, इसकी जो टेक्स्ट जब हम ऑब्जेक्ट के साथ जो करेंगे अटैच करेंगे वो ये इस तरह होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज की, अगर आपको इसके एरिया चाहिए, ठीक है, सेंटर चाहिए, सरकमफेरेंस चाहिए, कलर चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसके एरिया चाहिए और यहाँ से जो है आप यूनिट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं ओके के ऊपर क्लिक करके मैं इसके साथ फील्ड की जो टेक्स्ट है वो मैं अटैच कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो एरिया है हमारे पास वो 53.9795 है। अब हमारे पास जो है ये सर्कल, इसको मैं जो है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ या थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो एरिया इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। सो इफ़ यू वांट टू अपडेट दिस वैल्यू तो इसके लिए आप अपडेट फील्ड के ऊपर क्लिक करके हमारे पास ये जो टेक्स्ट इसको सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड से जब आप एंटर कर लेते हैं तो आपके पास जो है ये जो फील्ड है ये अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको समझाने के लिए अगेन मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे और अगेन मैं फील्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की जो बटन इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो है मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लोज और इसको मैं कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोज यस, क्योंकि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्लोज है। सो इसको मैं यहाँ से ट्रिम, हमारे पास ये जो लाइन है इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, TR डबल एंटर उसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये जो हमने फील्ड इसके साथ अटैच किया हुआ है इसमें कोई चेंजेस नहीं आई, यानी ये अपडेट नहीं हुआ। सो जब आप इसको यहाँ से अपडेट फील्ड के ऊपर क्लिक करके यस के जो टेक्स्ट है इसको जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेते हैं
तो ये नो में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास अभी जो ऑब्जेक्ट है ये क्लोज नहीं है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे शोर है कि ये जो रेक्टेंगल है ये क्लोज नहीं है। इसके बाद फील्ड और अपडेट फील्ड्स के बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ओ एल ई ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एक्सट्रैक्शन। इसका मैं शॉर्ट में एक जो है थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जैसे कि 3D Max है, क्रिव है, या सॉलिड वर्क है, या इस तरह अगर कोई और सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, एम एस ऑफिस है, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है और आप उसी सॉफ्टवेयर में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में आप काम करके आप ऑटोकैड में लाना चाहता है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हो, आप इसमें ऑटोकैड के अंदर जो है वो आप ला सकते हैं। तो मैं ऐसे ओ एल ई ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गए हैं वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी एडोब फोटोशॉप मेरे पास इंस्टॉल है, तो उसमें यहाँ से एडोब फोटोशॉप के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और इसको जब मैं ओके के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास जो एडोब फोटोशॉप है वो ओपन हो जाएगा। तो फिर आप इसके अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा काम जो है वो कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट करता हूँ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसका मैं कलर चलो रेड, ठीक है, ये वाला या ये बल्ब जो है इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। और यहाँ से मैं अगेन एक और ऑब्जेक्ट जो है वो मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, ये वाला। और इसके बाद मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको कर लेता हूँ JPG डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ ओके, और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। जैसे मैं इस सॉफ्टवेयर को जो एडोब फोटोशॉप था इसको जब जैसे मैं क्लोज कर लेता हूँ सो जो काम मैंने किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसी में अगर आप काम करना चाहते हैं और फिर ऑटोमेटिकली आप ऑटोकैड में इसको लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओ एल ई ऑब्जेक्ट की ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप इसको ला सकते हैं। लेकिन एक बात जो है वो आप जहन में रखें कि आप 3D ऑब्जेक्ट जो है ओ एल ई ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसमें इम्पोर्ट नहीं कर सकते ऑटोमेटिकली। आपको जो है जो ऑब्जेक्ट आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं वो 2D ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड पे हमारे पास जो है वो हाइपरलिंक है, इसकी शॉर्टकट जो है वो Ctrl+K है हाइपरलिंक की। यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैसेज मिल रहा है हमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो मैं इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें तो हमारे पास जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी जब आप इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो टेक्स्ट जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप करें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्कल CIRCLE, ठीक है। यहाँ पे जो टाइप द फाइल आर वेब पेज नेम, ठीक है, तो मैं ऐसे ब्राउज कर लेता हूँ। या अगर आप वेब पेज इस हमारे पास जो सर्कल है इसके साथ जो है वो आप वेब पेज जो है वो अटैच करना चाहते हैं एज ए हाइपर लिंक, या आपके पास अगर कोई फाइल है तो इसके लिए मैं डेस्कटॉप पे जाके एक फाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं क्लोज कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसको नीचे कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ जी डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाके मैं यहाँ से एक फाइल ले लेता हूँ एमएस ऑफिस की, या मैं यहाँ से चलो एमएस ऑफिस में ओपन कर लेता हूँ। और इसके अंदर जो है मैं कुछ टेक्स्ट जो है वो लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज सर्कल, डायमीटर ऑफ जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है इसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं और फिर आप उस फाइल को आपके पास जो टेक्स्ट की फाइल है आप अटैच करना चाहते हैं तो फिर आप इसको हाइपरलिंक जो है वो इसके साथ कर सकते हैं। और इसके बाद फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और अगेन मैं जो है ऑटोकैड की तरफ चला जाता हूँ। मैं इसे हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ सर्कल ओके, यहाँ पर मैं ब्राउज फॉर
या पर मैं फाइल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे जाके, यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट जो फाइल हमने भी क्रिएट किया इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप द फाइल आर वेब पेज नेम यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। सो जैसे आप हमारे पास अभी जो कर्सर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप इसके ऊपर इसको लेकर इसको आप जब वहाँ पर होल्ड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट जो है वो दिख रहे हैं। हमारे पास जो टेक्स्ट है वो शो रहे सर्कल, इफ यू वांट टू एक्सेस द फाइल जो इसके साथ हमने अटैच किया हुआ है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, इसका कलर आप देख सकते हैं, लेयर लाइन टाइप वगैरह वगैरह। सो अगर आप इसके साथ जो फाइल हमने हाइपर लिंक किया हुआ है अगर आप उस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल और जो है क्लिक करें तो आपके पास जो है वो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइल हमने अटैच किया हुआ इसके साथ। इसके बाद इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, अगेन मैं ऑटोकैड की तरफ चला जाता हूँ। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ और इसके साथ में DWG की एक फाइल जो है वो मैं अटैच कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ REC और ब्राउज फॉर। अगर आप वेब पेज कोई इंटरनेट से वेब पेज आप इस ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो आप अटैच करना चाहते हो तो आप यहाँ से वेब पेज के ऊपर क्लिक करें फाइल, और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप डेटा में जाके यहाँ से मैं देखता हूँ अगर हमारे पास कोई ड्राइंग हो 1 2 3 चलो इसको ओपन कर, अब पता नहीं इसके अंदर क्या है लेकिन चलो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। इसके बाद मैं कंट्रोल और क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास जो है ये ड्राइंग जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नट बोल्ट और वाशर की ड्राइंग जो है इसके साथ अटैच हो गई है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ नो, और अगेन मैं यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट पॉलीगन जो है वो ड्रा कर लेता हूँ, हमारे पास साइड होनी चाहिए छः, और क्लिक करें इंस्क्राइब, हमारे पास ये पॉलीगन एक, और यहाँ से मैं हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करके इस हेक्सागन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ब्राउज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ जी पॉलीगन ब्राउज फॉर फाइल 1 2 3, और यहाँ पर हमारे पास जो है टारगेट, अगर जो फाइल आप अटैच करना चाहते हैं जो आप हाइपर लिंक के थ्रू आप करंट ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करना चाहते हैं अगर आप उसी फाइल के अंदर अगर टारगेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टारगेट का ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसको जब आप यहाँ से इसके अंदर हमारे पास जो है ये 3 ऑप्शन मौजूद है, मॉडल को सेलेक्ट करके आप ओके करें तो अभी आपके पास जो है इसके साथ जो है मॉडल की जो टैब है इसके साथ तो वो अटैच हो गया है। कंट्रोल क्लिक करें तो आपके पास जो है ये आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेआउट में अगर आपके पास कोई चीज़ होगी लेआउट 1 और 2 में वो इसके साथ नहीं आएगी। तो आई होप के जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।